Hello everyone, this is Shyam Chaudhary. Welcome back again to Shyam Chaudhary Blogs, guys. Staff nurses के लिए vacancy है, बहुत बड़ी vacancy है nursing officer के लिए. And मैं आपको जो है download करके, live download करके दिखा देता हूँ कितनी vacancy है and सारे criteria जो है read करेंगे. चलिए, official website में जो है open हो चुका है, notification में जाकर जो है download कर लेते हैं. देखिए, ये हाल ही में जो है release किया गया है notification 3 जनवरी को, इसे जो है डाउनलोड कर लेते हैं हम. गाइस, यहाँ पर 1500 प्लस जो है वैकेंसीज निकले हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए. मैं आपको जो है लाइव नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ. ये देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला एवं पुरुष के रिक्त 1564 पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन दिया गया है यहाँ पर. एंड यहाँ पर देखिए, विज्ञापन जो है 3 जनवरी को रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन. एंड आवेदन शुरू हो रहा है 12 जनवरी 2023 एंड लास्ट डेट होने वाली है 1 फरवरी 2023. यानी कि आपके पास लगभग जो है 17 से 18 दिन रहेगा अप्लाई करने के लिए. एंड ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी जो है 1 फरवरी तक रखा गया है टाइम. सो 12 जनवरी से जो है आप अप्लाई कर पाएंगे. एंड अभी मैं जो है टेबल देखा देता हूँ कितने वैकेंसीज है एंड कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है. देखिए, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर महिला 80% जो है रिजर्व रहेगा सीट. एंड नर्सिंग ऑफिसर पुरुष जो है 20% रिजर्व रहेगा. एंड उसमें से डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जो है 70% रहेगा महिला के लिए. एंड डिग्रीधारी के लिए 30%. यहाँ पर देख लीजिए, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए जो है 623 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी वैकेंसी है. एंड डिग्रीधारी के लिए जो है 529. उसी तरह नर्सिंग ऑफिसर पुरुष के लिए देखिए, डिप्लोमाधारी के लिए जो है 281 वैकेंसीज है एंड डिग्रीधारी के लिए 131. टोटल जो है 1564 वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गाइस, बिना किसी एक्सपीरियंस के जो है जीएनएम कैंडिडेट एंड बीएससी और पोस्ट बीएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. यहाँ पर जो है क्राइटेरिया में नहीं दिया गया है, कंपलसरी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस की जो है मैंडेटरी है. सो जीएनएम कैंडिडेट के लिए स्पेशली जो है 2 ईयर्स के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, अभी कोई वैकेंसी निकलती है, मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर की एक्सपीरियंस की नेसेसरी होती है जीएनएम कैंडिडेट के लिए. यहाँ पर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. सिंपली जीएम कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से शुरू होने वाली है. एंड अभी चलिए, ये सारे जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया से आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे जो है क्राइटेरिया देखे हैं. आप चाहे तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन हो जाइए. अभी चलते हैं पेज नंबर 9 में. वहाँ पर जो है आप एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फ़ी कितने होने वाली है, हम देखते हैं. चलिए पेज नंबर 9 में चलते हैं. एंड ये सारे रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पर दिया गया है. एंड ये देखिए, सामान्य यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगा. EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 150 एंड OBC के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी. SC ST के लिए जो है 150 रुपीज़. एंड उत्तराखंड दिव्यांग कैंडिडेट के लिए जो है 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है. सो गाइस, बहुत बड़ी वैकेंसी है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर बहुत ही कम है, सभी कैंडिडेट जो है भारत के अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइस, फटाफट अप्लाई स्टार्ट होते ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तक अगर इंतज़ार करेंगे तो सर्वर में हैवी लोड की वजह से वेबसाइट ओपन नहीं हो सकता. इसलिए 12 जनवरी को जो है शुरू हो रहा है अप्लाई, फटाफट अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए 12 जनवरी से. सो गाइस, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, सो दैट सभी के पास जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगा. एंड नर्सिंग रिक्रूटमेंट रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग के और एक रिक्रूटमेंट के साथ. मैं हूँ श्याम चौधरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग.